मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे निवेश पर एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने खुशी जताते हुए कहा कि उज्जैन से निवेश आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसएमई की नई इकाइयां खुलने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। उनसे बातचीत की न्यूज 18 की टीम ने। सागर में मध्य प्रदेश की चौथी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हुई है। लगभग 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश आए। एमएसएमई मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की संभावनाएं आप बुंदेलखंड को लेकर देख पा रहे हैं? आपके सामने आज के कॉन्क्लेव में 19,000 करोड़ के करीब के उद्योगों की यहाँ पर प्रस्तावना हुई है और एक उद्योग 3,500 करोड़ का, तो उन्होंने अगले महा भूमि पूजन की बात कही है। तो यह सीधे संकेत हैं कि यह जो कॉन्क्लेव है अपने सफलता के ऊंचाइयों पर आ रहे हैं और इनसे एक बड़ा माहौल बदला है और लघु मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में भी युवा उद्यमियों को एक नया प्रोत्साहन इनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सर, आगे भी और भी कॉन्क्लेव होनी है? अगले कॉन्क्लेव अब रीवा में है, रीवा के बाद में नर्मदापुरम में है और उसके पश्चात शहडोल में। सारे संभागों को हम लोग जा रहे हैं और वहां पर यही माहौल हम बनाएंगे। तो ये एमएसएमई मंत्री जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो निवेश आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र बार विकास हो रहा है। कैमरा जतावर के साथ सैलेंसी न्यूज़ टीम सागर। वहीं उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच में एक दीवार गिरने की खबर मिल रही है। महाकाल मंदिर के पास ये दीवार गिरी है। 4 नंबर गेट के सामने ये दीवार गिरी है। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर घायलों को ले जाया जा रहा है अस्पताल में। लगातार तेज बारिश हो रही है। एमपी के कई जिलों में बारिश के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में 4 नंबर गेट के सामने एक दीवार के गिरने की जानकारी मिल रही है। दीवार गिरने से कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर लगातार हो रही बारिश के बीच में यहां अफरा तफरी जो नजर आ रही है वो दीवार गिरने के बाद की अफरा तफरी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की अफरा तफरी है। यहां देखिए, एक शख्स को इस गाड़ी में लेटाया जा रहा है। इस गाड़ी की मदद से, ये जो एम्बुलेंस है इसकी मदद से इसे अस्पताल पहुंचाया गया है। लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। उज्जैन की ये खबर है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल मंदिर के सामने 4 नंबर गेट के सामने एक दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। कई लोग जख्मी हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है एम्बुलेंस की मदद से। एम्बुलेंस का सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा। लोग आपको एक घायल को गाड़ी में पहुंचाते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या हुआ है फिलहाल, क्या स्थिति? जी देखिए, शाम को अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसमें मूसलाधार बारिश होने के बाद जो है एकदम अचानक महाकालेश्वर मंदिर के 4 नंबर गेट के सामने जो अभी हाल ही में कुछ नई दीवार बनाई गई थी, तो वो दीवार अचानक गिर जाने के कारण कई लोग उसमें दब गए हैं, जिसमें 4 लोगों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं और भी लोग दबे होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जो है बचाव कार्य भी जारी है और प्रशासन। अजय, आपने बताया कि ये दीवार अभी हाल ही में बनाई गई थी, कितना समय हुआ था? जी देखिए, ये महाकाल लोक फेज 2 के कार्य हुआ था। उस दौरान जो है यहाँ के कुछ मकानों को हटा के इस दीवार को बनाया गया था और इसी दौरान ये दीवार जो बनी थी और वो कहीं ना कहीं बारिश के कारण गिरी है वो। तो कमजोर दीवार लगातार हो रही बारिश को नहीं सह पाई और गिर गई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। कुल कितने लोग हैं अजय, एक बार फिर बताएं? लोग जो हैं अस्पताल पहुंचे हैं, जिला अस्पताल। करीब करीब अभी बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग होने की संभावना जताई जा रही है कि 10 से 12 लोग जो हैं उसमें दबे हैं। फिलहाल जो है अभी 4 लोगों को लेकर पहुंचा गया है। ठीक है अजय, नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के गांजे वाले बयान का विरोध तेज हो गया है। साधु संत गांजे को कानूनी वैधता देने की बात पर गुस्से में हैं। उज्जैन में आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने एसपी के सांसद पर करारा वार किया है। कहा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अपनी कौम की बात करो, हिंदू समाज के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने साधु महात्माओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
तो मुझे लगता है कि आतिक और अशरफ की याद आ रही इन्हें, और 72 होर इनको बहुत जल्दी शायद देखना चाहते हैं, इसलिए साधु संतों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे नियम कायदे और कानूनी संदेश में हैं जो लोकतंत्र के माध्यम से संविधान के माध्यम से बने हैं। कानून अगर बनाना है तो 3 तलाक पर बनाइए, कानून अगर बनाना है तो हलाला पर बनाइए, अपने कौम की बात कीजिए, समस्त हिंदू समाज के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वहीं हरदा में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ता और प्रिंसिपल के बीच भारी बवाल हो गया। कॉलेज में शराब की बोतल मिलने के बाद जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल से भी तीखी बहस हुई, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में मारपीट हो गई। एक तरफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए नजर आए। हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर महिला के साथ दुर्व्यवहार करके यहाँ पर तैयार, मैं चिल्लाऊंगा, भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के फरमान से हंगामा हो गया है। हॉस्टल की फीस नहीं दी तो दुर्गा पूजा उत्सव में एंट्री नहीं होगी। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर यह आदेश चिपकाया गया है। हॉस्टल वार्डन ने दीवारों पर नोटिस चिपकाया था, 6 अक्टूबर तक फीस भरने के आदेश दिए थे। भारी बवाल के बाद यूनिवर्सिटी ने यह आदेश वापस ले लिया है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आदेश अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आदेश दिया गया था कि जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं वो एक नियत तिथि तक अपनी फीस जमा कर दें, अगर फीस जमा नहीं करते हैं तो उनको हॉस्टल में परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हर साल नवरात्रि में माता रानी की स्थापना जो की जाती थी उसकी अनुमति भी नहीं दी जाएगी। लेकिन जब लगातार छात्रों का इसमें विरोध बढ़ा और बात ओपन हुई, इसके बाद कुलपति को अपना जो है आदेश वापस लेना पड़ा और अभी हम उसी स्थान पर हैं हॉस्टल में जहां पर नवरात्रि की तैयारियां छात्रों ने शुरू कर दी हैं। लगभग मंच तैयार है, बन चुका है और यहां पर 3 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होगी, उसी दिन माता रानी की स्थापना की जाएगी। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां आरोपियों के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर सैकड़ों लोगों को ठगा गया। फर्जी मुनाफा दिखाकर आरोपियों ने लोगों से ठगी की। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 सिम कार्ड, कई बैंक की चेकबुक समेत कई कागजात बरामद किए हैं। और अब खबर जबलपुर से है, जहां पॉइंट ऑफ सेल मशीन की मदद से पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। दरअसल 2023 में इंडियन ऑयल कंपनी ने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड बोनांजा स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत पेट्रोल पंप में 7 POS मशीन लगाई गई थी, जिससे ग्राहकों को लाभ मिले और इसकी जिम्मेदारी ट्री स्टार मैनेजमेंट कंपनी को दी गई थी। वहीं ठेकेदार कंपनी और बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर POS मशीन की क्लोन मशीन बनाकर करीब 1,06,77,000 रुपए का घोटाला किया। इंडियन ऑयल के ऑडिट में घोटाले का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
गोरखपुर स्थित जो शासकीय पेट्रोल पंप है उस पर इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी फरवरी मार्च में, एक बुनंजा स्कीम थी इनके द्वारा, जो फरवरी मार्च 2023 में जो जितनी की पेट्रोल बिक्री की गई उससे ज़्यादा का इनने पॉइंट शो किया, जो IOC के द्वारा पकड़ में आया और तब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनने हमको बोला, तब इसमें जांच किया जाकर इन चारों के खिलाफ थाना गोरखपुर में धारा 420, 409, 120 भी भारतीय दंड संहिता का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर अशोकनगर से है, जहां जिला पंचायत कार्यालय में नेशनल प्लेयर ने आत्मदाह की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस वालों ने युवक को आत्मदाह करने से बचा लिया। बताया जाता है कि नेशनल प्लेयर एक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज था। ऐसा ही मारा, ऐसी आत्महत्या हुई है अशोक नगर के अंदर, बुलाइए। और अब बात उज्जैन की, जहां दो दिन से लापता बीजेपी नेता का शव शिप्रा नदी से मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। बताया जाता है कि अमन व्यास बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य था और बीजेपी के लिए सोशल मीडिया का काम करता था। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। तो बात रोज होती थी, दिन में 10-15 बार, पर परसों शाम को 5 बजे तक बात हुई उससे और उसके बाद में उसे फ़ोन उठा नहीं, मुझको फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो मैं सोच रहा था कि बैटरी बैठ गई होगी, नहीं मैं तो अभी आया हूँ, पर ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत खुश था वो, तो बात करता था वो लगातार कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं था। और जिस दिन हम लोग यहाँ मैं सुबह सुबह महामहिम आए थे उस दिन मैं सुबह जल्दी आ गया था 8 बजे। शव का पहचान करा जो उनके दोस्त अमन पिता भैरोलाल व्यास के रूप में निवासी झाड़ला की पहचान की गई। पहचान करने के बाद मृतक की कार्रवाई कर PM करवाने हेतु CH उज्जैन रवाना किया। बैतूल के मथानी गांव के एक मकान में एक लड़के और लड़की का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। बताया जाता है कि दोनों 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। अब पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। सब मिले, पति पुलिस का शव पति के बंदे से लटका हुआ था और महिला का शव नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। तो मामले के कायम करके जांच में लिया गया है। सर क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का है या क्या रिलेशनशिप में रह रहे थे? ये दोनों पिछले 5 साल से एक साथ रहते थे, सभी परिवार का एक दूसरे से आना। भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपियों को मेडिकल के लिए पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं दौरान कांग्रेस नेता मुजाहिद सिद्दीकी और अन्य लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और फिर हत्या के मामले में आज तीनों आरोपियों को लेकर जो पुलिस है वो JP हॉस्पिटल पहुंची और यहां पर आरोपियों का मेडिकल कराया गया। लेकिन इस पूरी मामले को लेकर जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनमें गजब का जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है और आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। क्यों आप लोग आज आरोपियों को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे नारेबाजी की, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हम ये मांग कर रहे हैं, आज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आज इनको जो सुरक्षा दी है, ऐसे आदमी को सुरक्षा दी है। इंदौर के नामी स्कूल में नर्सरी की छात्रा से बैड टच के मामले में जिला पंचायत CEO ने जांच समिति बनाई है। जांच समिति में जिला परियोजना समन्वयक शीला मरावी, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी ममता कनेश और उच्च माध्यमिक विद्यालय की संकुल प्राचार्य सुनीता शर्मा शामिल है। टीम को आज ही जांच करके रिपोर्ट सौंपनी है। छात्रा के साथ अश्लील हरकत के बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की। जिला पंचायत CEO ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच समिति बनाई।
और अब तस्वीरें सतना की आपको दिखाते हैं, जहां चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। आधा दर्जन युवक चोरी के शक में एक पंप हाउस के अंदर बंधक बनाकर युवक को जमकर पीटते हैं, इसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित की माने तो मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई थी, जहां उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमपी में सीआर के बाद लक्कड़ बग्गों का आतंक है। इस बार मुरैना के शिकारपुर में एक लक्कड़ बग्गा दिखा है, जिसके बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग इतने भय में जी रहे हैं कि किसान ने खेत में जाना छोड़ दिया है, तो वहीं लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। हालांकि ड्रोन की मदद से लक्कड़ बग्गे की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब खबर सीहोर से है, जहां खैरी गांव के पास किसान को खेत में तीन शावक दिखे हैं, जिसके बाद शावकों को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तीनों शावकों का परीक्षण किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो तीनों शावक तेंदुए के हैं या फिर सियार के। ढांचे के हिसाब से हमको पता चला सियार के बच्चे, कि वो बच्चे तेंदुए के ही हैं। उनके नाखूनों में काफी धार और बड़े नाखून थे। अधिकतर हमारे गांव के जंगल में तेंदुआ पाया जाता है,